दोस्तों आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही अनोखी टेस्टी लाजवाब सब्जी। आप सब देखते ही बनाओगे। अगर कोई सब्जी समझ में ना आए तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं और ये बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत पसंद आएगी। आज मैं बनाने वाली हूँ शिमला मिर्च बेसन की बहुत ही लाजवाब टेस्टी सब्जी जो देखते ही मुँह में पानी आ जाने वाला है। तो इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करी हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला मिर्च बेसन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे शिमला मिर्च को मैं काट ली हूँ, साथ में प्याज को लंबे लंबे पीसेस में काट ली हूँ, 8 से 10 लहसुन है जिसे छील के ले ली हूँ, और साथ में 4 से 5 लाल मिर्च और 2 मीडियम साइज का टमाटर काट के रख ली हूँ। तो सबसे पहले मिक्सर जार लेंगे और इसी में टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा प्याज डाल के इसे पीस लेना है। बाकी का प्याज बाद में यूज करेंगे। अब लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, इसी में मैं डाल दे रही हूँ 1 कप बेसन। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा दें। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा हींग। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा सा बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे बेसन थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो इसी में मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे बेसन अच्छे से फेट गया है। अब इसे कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी साइड गैस जला के कढ़ाई रखेंगे, इसी में डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसी में कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो 2 चम्मच बेसन में से निकाल लेंगे जो हमने घोल के रखा था, तो उसमें से 2 चम्मच निकाल लेंगे। इसे कब यूज करना है बाद में बताती हूँ। अब प्याज को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब प्याज में कटे हुए शिमला मिर्च को डाल देंगे, इसे भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो शिमला मिर्च भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और शिमला मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसे निकालेंगे किसी प्लेट में। अब जो कढ़ाई में तेल बच गए हैं उसी में डालेंगे 1 चम्मच पंचफोरन और इसे अच्छे से भून लेंगे। दूसरी साइड मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कढ़ाई में डालेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। मसाले को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो जब मसाले अच्छे से भून जाएं तो इसी में डालेंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर जो हमने पीस के लिया है उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे तेल छोड़ने तक। अब इसी में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अब मीडियम टू लो फ्लेम पे तेल छोड़ने तक अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और जो हमने बेसन से 2 चम्मच बैटर निकाले थे उसी में डालेंगे 2 चम्मच दही। दही ज़्यादा खट्टी ना हो। तो अब बेसन और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे मसालों में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। तो यहाँ पे बेसन और दही के साथ अच्छे से मसाले को भून ली हूँ और इसी में मैं डाल दे रही हूँ जिसमें बेसन के साथ दही फेटे थे वही वाले पानी डाल दी हूँ और इसे अब थोड़ी देर भूनेंगे। और इसका कलर देखिए कितना अमेजिंग आया है, बहुत ही लाजवाब। इस तरह से बनाएंगे सब्जियाँ तो सब मांग मांग के खाने वाले हैं। तो यहाँ पे अच्छे से भून गया है, यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 2 गिलास पानी। तो मसालों में पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। अब इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि मसालों में अच्छी सी उबाल आ जाए। दूसरी साइड बेसन को दोबारा अच्छे से फेंट लेंगे। तो इधर देखिए मसालों में से बहुत सी अच्छी उबाल आ रही है, ये अच्छे से पक गया है। अब बेसन को लेंगे और हाथों से थोड़ा थोड़ा बेसन लेंगे और मसालों में डालते जाएंगे। तो इसी तरह सारे बेसन को डाल देना है
और ये सब्ज़ी बहुत हेल्दी और बहुत स्वादिष्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे बिना स्टीम किए बिना तले हुए सब्ज़ी बना रहे हैं तो टेस्टी तो होगा ही। तो इसी तरह मैं सारे बेसन को डाल दी हूँ और कवर करके छोड़ दी थी, ये अच्छे से पक गया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, जिससे इससे और भी टेस्टी बनेगा। इसे मैं यहाँ पे मिक्स कर दी हूँ। लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ के आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से पक गया है बेसन, और इसी में जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को भून के रखा है वो डाल दी हूँ, और दोबारा इसे कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से भीन जाए सारे मसाले। तो ये देखिए तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब बेसन शिमला मिर्च की स्वादिष्ट सब्जी। दोस्तों वीडियो आप सबको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।